दीदी आए थे मम्मा का पेडिक्योर करने, तो इन्होंने स्कूटी सीखी है नई नई हाल ही में, तो मैंने कहा जरा चलो टेस्ट ड्राइव दिलाओ मुझे मुझे कहीं छोड़ दा, एक्चुअली मुझे मास्टर जी के पास जाना है अपना सूट का दुपट्टा पिक करना है, फिर वहाँ से लेस खरीदनी है, फिर दुपट्टे की लेस देनी है मास्टर जी को, एंड फिर मुझे जाना है क्लैम फैक्ट्री टचअप के लिए, एंड नेल एक्सटेंशन भी मुझे करवाने हैं, मतलब इसको हटवाने हैं, अटक रहे हैं बालों में। तो देखते हैं आज रिंकू दीदी की ड्राइव पर, कहाँ है स्कूटी चला लोगे, कह रही है कभी कभी गिर भी जाती है पता है मुझसे मेरी जिंदगी इनके हाथों में, देखते हैं कैसे चलाती रिंकू दीदी। चलो डर तो लग रहा है मुझे, जहाँ पे लगे ना गिरने वाले पहले रोक दे अच्छा चलाओ बातें नहीं करेंगे अब हम, हाँ बस ऐसे ही चलाओ स्लोली स्लोली ताकि गिर भी जाए ना तो चोट ना लगे। थैंक यू। चलो क्रिसमस आ गया है, मेरी क्रिसमस, मेरी मेरी क्रिसमस नन्नी, मेरी मेरी क्रिसमस, मेरी कुच्चू पुच्चू। उय उय एक्साइटेड, टीवी देख के एक्साइटेड। बन रही है बेसन वाली रोटी, जिसके लिए मैंने आटे में, नॉर्मल आटे में, गेहूं के आटे में प्याज हरी मिर्च हरा धनिया काट के नमक डाल के रख दिया है, क्योंकि मैं इसमें पानी कम से कम यूज़ करती हूँ। मैं इसमें बेसन डालूंगी क्योंकि फिर क्रिस्पी बनती है अगर पानी कम डाल के आटा गूंदो। अब जितना नमक छोड़ना होगा ना, नमक मतलब पानी छोड़ना होगा, प्याज नहीं छोड़ देगा। और साथ में बनेगी लहसुन खड़ी लाल मिर्च जीरे और नमक की चटनी। यहाँ पे बॉईल कर लिया इसको, इसमें डाल के हम पीसेंगे। सिम के अकॉर्डिंग मैं आटा बहुत कम डालती हूँ, आटा बस थोड़ा सा इसलिए कि बाइंडिंग आ जाए, अदरवाइज़ 80% इसमें बेसन ही डलता है, क्योंकि बेसन वाली रोटी में बेसन की क्वांटिटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब मैं इसका डो लगा लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं ऐसे अगर आप पानी कम डाल के इसको बनाओ तो। बेसन की रोटी के लिए डो लगा लिया है, इसके ना थोड़ा सा चिपकेगा, स्टिकी होगा, तो आप टेंशन मत लेना, पूरा इसको करके हल्का सा ऑयल लगा के फिर अच्छे से आप इसको कर लेना, तो ऑयल से ना काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। थोड़ा सा सूखा आटा यूज़ कर लेना तो ये हमारा रेडी है बस। दीपू और वेलकम बैक टू माई चैनल स्टे सासी ब्लॉग्स, दीपू और मायरा नहा ले, फिर मैं फटाफट से कल के बाद से मैं अब ब्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज एकदम से मैंने कल के बाद ना जैसे ही नील्स करवा कर, देखो मैंने कुछ इस तरह से नील्स करवाए, नेल्स करवा कर आई तो मैंने ना पता नहीं क्या हो गया शॉर्ट स्टार्ट कर दिया, कुछ और एकदम से कुछ ऐसा मूवमेंट कैप्चर हुआ, मुझे लगा कि चलो मैं शॉर्ट बना रही, तो मैंने शॉर्ट स्टार्ट कर दिया, फिर व्लॉग में भूल ही गई। और सॉरी मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। हमारा बहुत ठीक है, हमारा स्कूल भी जा चुकी है, तो हमारा स्कूल भी जा रही है, बट यही है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कुछ चीज़ों में मैं बिजी थी इस वजह से, एंड टुकड़ों में भी व्लॉग बस ये क्लास मिल रहा है आपको, जैसे मैंने कल करा थोड़ा सा आज कर रही हूँ, बाकी अदरवाइज आप प्रॉपर नॉर्मल डेली व्लॉग अच्छे से आएंगे, क्योंकि चीज़ें सॉर्ट आउट है। हमारा ब्रश कर रही है, जब टंग क्लीन करती हूँ ना तो ऐसे दीपू का तड़कता हुआ दही, रोटी भी रेडी है बस, मतलब बेसन वाला पराठा क्रिस्पी मस्त, इस पर बटर लगा के इसको साथ में खाओ आप ये चटनी के साथ, डन। हाँ प्लेन परौंठी बनाई है क्योंकि वो नहीं खाती है, और इसमें मिर्ची प्याज होता है। चल दीपू का नाश्ता रेडी है, दीदी ले जाओ नमक चटनी बोल देना, टेस्ट कर ले, मेरे को पता नहीं है। हैं बता तो दो कहाँ जा रहे हो, इधर इधर इधर, मेरे को भी बोलो राखी पे मिलेंगे, ठीक है बोलो। ये क्या था मेरे, ये क्या करा, ओ दिमाग खराब कर दिया, करते हुए करते हुए ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो तो आपके लिए रोज, तो वो उनके हस्बैंड है ना, रोज वाला है आपके लिए, तो फिर नाली है तो फिर क्या होगा, फिर आप गुस्सा हो जाओगे। और ये माथे पे हाथ मारने का क्या मतलब था, आप क्यों परेशान, राखी पे आओगे ठीक है, राखी में सोने के बिना मैं बांध के आप क्यों आए,
आऊंगी ना बाद में, आपको भी बांधूंगी। बैग टांगा कैसे? बैग के साथ चुपट लो। बोलो ख्याल रखना अपना, ठीक है, अपनी बुई का। तो होते ही हो आप, और होते क्या हो। ख्याल रखना अपना, ठीक है। है ना, तो ये तो खुश हो जाती है, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता फिर। और मम्मी ने वैसे भी इस टाइम पे बोला है कि कल वहीं, पता है सैटरडे है, तो इसके कपड़े देना, मेरे पास ही रुकेगी ये, क्योंकि गई इतने टाइम बाद है, क्योंकि इसको चिकन पॉक्स था तो मैं भेज नहीं रही। मम्मी तो कहती भेज दे, मैंने कहा नहीं रहने दो, रेस्ट करने दो। देखो जा रही है नानी, मारू। देखेगी बिल्ली, देखेगी बिल्ली। चलो अंदर चलते, बहुत धूप हो रही है। मैं नहा कर बिल्कुल रेडी हूँ। एक्चुअली मैं नहा पहले भी ली थी, बट यह बात यह है कि मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा कुछ शूट करना था, तो इसलिए मैंने कल वाला टी शर्ट दोबारा से डाल लिया था। और अभी मायरा चली गई है तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, दोपहर इतनी खाली खाली लग रही, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से है नहीं कि मेरे पास कुछ बातें करने के लिए, बट मैंने कहा क्या करूँ, थोड़ा कोशिश भी करी मैंने कि सोने की, बट मुझे नींद नहीं आ रही है। एंड मुझे ना ये वाले अपने नेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताओ, आप लोग को ये वाले नेल्स कैसे लग रहे हैं? एंड ये ना वाइट कलर नहीं है, ये पर्ल वाइट कलर है, नेल पेंट का ऑफ वाइट और पर्ल वाइट, पर्ल वाइट। तो ये एग्जैक्टली था नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट कलर का नेल पेंट मिक्स करवा के वो लगवाया है। एंड इस टाइम पर मेरे एक्सटेंशन बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, साथ ही साथ टचअप हो गया तो बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड फेस काफ़ी अच्छा मेरा हो गया था, लेकिन फिर से ना मुझे एक्ने आ गए, बिकॉज बीच में ना मैंने बहुत सारा जंक फूड खाया। एंड मतलब ऐसा होता है ना कि आप ठीक हो जाते हो ना, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप सब कुछ जो हम कर रहे थे ना, इतनी मुशक्कत, डाइट एंड सारी चीज़ें जो आप आपकी लाइफ में आपने सही करी थी, तो सही हो गई हैं, तो वापस से ना पहले वाले रूटीन पर आ जाओ। मैं थोड़ा सा ऐसा हो गई थी, इस वजह से देखो काफ़ी फ्राई खाने की वजह से ना एक्ने भी हो गया। अभी बहुत सारे शॉट्स मिलेंगे आपको मेरे को गलत गलत ठूसते हुए, बिकॉज बहुत खाया पिछले वीक, इंडिपेंडेंस डे वाला वीक था ना, उस वीक बहुत जमकर खाया, क्योंकि उस टाइम पे मायरा के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, तो लेट सोना लेट उठना यही चल रहा था, क्योंकि मायरा की चिकन पॉक्स की वजह से छुट्टियां हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत गलत खा लिया था। एंड काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी बनाए मैंने, आप लोगों को एक एक करके देखने को मिलेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मायरा के बिना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आई एम सॉरी गाइस, बहुत टाइम से मैं एक्टिव भी नहीं थी, मैंने बताया ना सुबह आप लोगों को, मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी। आप लोग मुझे बताना, मेरे फेस पे ना फैट काफ़ी ज़्यादा हो गया था बीच में, क्या मेरी जॉ लाइन वापस से शार्प लग रही है? मुझे लग रही थी, बट अभी फिर से ना मुझे ये देखो ये थोड़ा सा फैट आ गया वापस से, वही मैं बता रहा हूँ ना, बहुत उल्टा सीधा खाया, वापस से डाइट स्टार्ट। चलो करते हैं मायरा के लिए कल के लिए लंच की तैयारी। तो आलू बॉईल कर लिया मैं, कल मायरा को दूंगी ब्रेड पकोड़े, एंड साथ में हम बना लेंगे चटनी। मतलब ब्रेड पकोड़े का तो मैं आलू का मिक्सचर बना के रख लूँगी, फिर सुबह को आराम से बना के दे दूँगी ब्रेड पकोड़े। भरता रेडी कर लेते हैं। मायरा से वीडियो कॉल करी, करती ही नहीं है वीडियो कॉल पर, बात ही नहीं करती मायरा तो। बस फिर थोड़ी देर में 10 मिनट में सोई होंगी कि बस, फिर मैंने कहा उठो कल मंडे है, हमारे के लंच बॉक्स की तैयारी करो। और जैसे मैंने बताया ब्रेड पकौड़े दूंगी, तो बस दीदी प्याज काट दे, मैं फटाफट से अंदर के आलू की स्टफिंग रेडी कर देती हूँ, चटनी रेडी। वो चटनी के बिना नहीं खाती, वो ग्रीन वाली चटनी जो मैं बनाती हूँ टमाटर धनिया और नींबू वाली, उसके बिना वो खाएगी नहीं। वो भी बना देंगे फटाफट से, एंड हमारा आ जाएगी दीपू के साथ। इतनी सारी कढ़ाइयाँ हैं, ये देखो, ये कढ़ाई, ये कढ़ाई, इसके नीचे भी कढ़ाई, उसके नीचे सारा कढ़ाई वाला सेक्शन है, बट पता नहीं क्यों मुझे यही वाली कढ़ाई में मज़ा आता है बनाने में। इसका पैन इतना पतला है, गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे ना इसमें बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को बनाने में, फटाफट फटाफट इसमें बन जाता है। एंड काफ़ी लोग बोलेंगे कढ़ाई गंदी है, तो धो लो, तो हम गंदी कढ़ाई में ही खाते हैं, गंदी कढ़ाई में ही बनाते हैं। दीदी हंस रही हैं। चलो जी फटाफट से आलू का मसाला रेडी करते हैं। तो तेल डालते हैं, बहुत सिंपल मसाला रेडी करूँगी, तेल डालूँगी इसमें, हरी मिर्च प्याज डाल के, हमारे पास है ये पंजाब से हम लेकर आए थे,
पराठा मसाला और आलू के भरते का मसाला, मतलब बस यही डालूंगी मैं। थोड़ा सा नमक डालूंगी, कोई लाल मिर्च पाउडर कुछ नहीं, और बस आलू डाल के रेडी। आपको पता मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अब कि मारा को लंच में दो क्या, मैं परेशान हो जाती हूँ। कुछ चीज़ें हैं वो जो खाती है, आलू का पराठा, तो आलू से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या दूँ। फ्राइड पकौड़े खा लेती है खुश होके, फ्राइड राइस खा लेती है, ब्रेड जैम या ब्रेड न्यूटेला दे दो उसको, वो खा लेती है, बट मैं परेशान हो जाती हूँ रोज़ 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 कैसे। और पता भी क्या हुआ, मुझे इतनी याद आ रही थी उसकी, मैंने भाई को मैसेज करा तो भाई ने ना वीडियो कॉल करी और वो ना पानी पी लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ, कहता है इसको ना हिचकी आ रही है। मैंने कहा इनकी मैं याद कर रही हूँ, बट अब क्या आ गया, इसका मन नहीं करता आने का बिल्कुल भी, और वीडियो कॉल करो आती भी नहीं, बात भी नहीं करती। क्या करूँ ब्लॉग यार, समझ ही नहीं आ रहा। मैं आलू की रेसिपी दिखाती रहूँ बस आपको, हैप्पीनेस में दिखाने वाला। ये भी रेडी हो गया, मैं फटाफट से इसको हटा के अपने लिए चाय रख लेती हूँ, ठंडा हो जाएगा, इसको फ्रिज में रख देंगे। तो बस चलो मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ है ही नहीं शूट करने के। मुझे पता है बस मैंने ऐसे बना लिया क्योंकि इतने दिनों से व्लॉग नहीं करता, तो मैंने सोचा चलो कुछ तो करूँ, आप लोगों को अपडेट भी मिल जाएगी। कुछ था नहीं, कुछ ऐसा नहीं था, बस ऐसी कर नहीं रही थी, चीज़ों में बिजी थी, किसी चीज़ों में हो जाएंगी वो चीज़ें तो वो भी बताऊँगी। आई नो हम जो क्रिएटर्स होते हैं ना वो काफ़ी मतलब ऐसे बोल के चलते हैं, किसी चीज़ों में बिजी थी, कुछ काम था, ऐसा होता है नॉर्मली। आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपके खुद के घर में भी होता होगा, आप लोग कुछ चीज़ें करते होगे, जब चीज़ें हो जाती होंगी तब आप बताते होगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, तो ऐसे हमारे साथ भी होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग इस तरह से हाइड करके चलते हैं चीज़ें। तो बस इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग ऐसा तो कुछ था नहीं इंजॉय करा होगा, बट कुछ तो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो भी कर देना। मिलते हैं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।